नमस्कार, मेरा नाम उत्तम मादानी और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ गुना दीति इलेक्ट्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड को। आज हम जानने वाले हैं हमारा जो प्रोडक्ट है रोटरी के लिमिट स्विच, उसके रिगार्डिंग लिमिट स्विच जो है रोटरी के लिमिट स्विच जो यूज होता है यूटी के कंट्रोल इक्विपमेंट्स में, जहाँ पे जो वायर और ड्रम होता है उसका जो मोशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम उसके थ्रू जो हुक का मोशन है अप डाउन का उसको कंट्रोल कर। रोटरी के लिमिट स्विच ये है एल्यूमिनियम बॉडी रोटरी लिमिट स्विच। इसका जो रेशियो है अभी ये है 48 का रेशियो, इसमें 60 का भी एक रेशियो आता है। और ये जो पूरा बॉडी है सिर्फ उसके ऊपर पाउडर कोटिंग किया गया है, ये ब्लैक कलर का पाउडर कोटिंग है और ये ऑरेंज कलर का पाउडर कोटिंग है। और ये लेकिन ये बॉडी जो पूरा है वो एल्यूमिनियम बॉडी है, नीचे का कवर है वो भी एल्यूमिनियम है, ऊपर का कवर भी एल्यूमिनियम बॉडी है। इसका जो यूज है वो यूटी क्रेन कंट्रोल इक्विपमेंट्स में हुक का जो मोशन है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। सेम टू सेम जैसे ये एल्यूमिनियम एनक्लोजर है उसमें 48 का रेशियो है, वैसे 60 का भी एक रेशियो आता है। और उसके अंदर जो कॉन्टेक्स है वो 2NC कॉन्टेक्स आता है। इसका जो कनेक्शन है ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो, ये जो शाफ्ट है वो जो वायर ऑफ ड्रम रहेगा अपना होस्ट का, उसके साथ ये छोटे कपलिंग के थ्रू अटैच किया जाएगा। जैसे ही ये ड्रम घूमेगा उसके साथ ये शाफ्ट भी घूमेगा। और इसके अंदर एक एलएन की जो पाना रहता है वो दिया गया है, उसके थ्रू हम उसका जो कॉन्टेक्ट वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके थ्रू अपना जहां पे आपको स्ट्रोक करना है, 4 मीटर राइट पे स्ट्रोक करना है, 5 मीटर राइट पे स्ट्रोक करना है, उस हिसाब से अपने को कॉन्टेक्ट सेट करना है। और जैसे ही ड्रम घूमेगा उसके साथ में शाफ्ट घूमेगा, तो जैसे ही आपने जो सेट किया है वो लिमिट तक आ जाएगा तो अपने आप ये जो कॉन्टेक्ट है वो एनसी में से एनओ हो जाएगा और मोटर का सप्लाई बंद हो जाएगा और क्रेन पूरा स्टॉप हो जाएगा। तो हुक का जो डाउन है वो स्टॉप हो जाएगा। डाउन में है तो डाउन का स्टॉप होगा, अप में है तो अप का स्टॉप होगा। पूरा जो स्विच है स्टील सीट एनक्लोजर है, स्टील सीट एनक्लोजर में भी सेम टू सेम ये एल्यूमिनियम बॉडी जो होता है वैसे ये स्टील का जो ऊपर का कवर है जो कि एमएस सीट में से बनाया गया है, और नीचे का जो बॉडी है कास्टिंग बॉडी है, सीए कास्टिंग बॉडी, ठीक है। उसके अंदर सेम टू सेम 48 का रेशियो और 60 का रेशियो आता है, उसमें भी सेम टू सेम 2NC कॉन्टेक्स आते हैं। ये जो अपना छोटा होस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 टन का सिंगल गर्डर का क्रेन है, या फिर 7.5 का सिंगल गर्डर का क्रेन है, या फिर 1 टन का है, 2 टन का है, उसमें जो हुक का मोशन होता है वहां पे क्या होता है, एक तो वो कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है 1-2 टन का, तो उसमें अगर हम बड़ा वाला स्विच डालेंगे तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसको अगर छोटा करना है तो वहां पर हम ये छोटा वाला प्लास्टिक बॉडी वाला स्विच यूज कर सकते हैं। इसका रेशियो आता है 50 और 100 और 200 और 400, इसमें अलग अलग रेशियो है। और ये भी सेम टू सेम जो अपना हुक का और ड्रम का जो वायर और ड्रम रहेगा उसके साथ कपलिंग के थ्रू अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी सेम टू सेम ही है, जैसे ये अंदर से अपने को ये सेट करना है केन, और जहाँ पे आपको स्टॉप करना है जो हेड पे वहाँ पे हेड पर सेट करके उसको, जैसे ही वो अपना वायर ऑफ ड्रम घूमेगा उसी हिसाब से इसमें कट आउट होगा, एनसी में से एनओ होगा। ये तो ये अपना था रोटरी गियर लिमिट स्विच का पूरा। तो इसमें 3 टाइप के रोटरी गियर लिमिट स्विच आता है, एक आता है एल्यूमिनियम बॉडी लिमिट स्विचेस, एक आता है स्टील सीट एनक्लोजर लिमिट स्विचेस, और एक आता है प्लास्टिक बॉडी लिमिट स्विचेस जो यूज होता है यूटी क्रेन्स का हुक का जो मोशन है उसको कंट्रोल करने के लिए।